यौन शोषण के मामले में WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने BJP के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका दिया है। आज उनकी याचिका पर सुनवाई थी और इसी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रजभूषण से सवाल पूछे हैं और उनके वकील को नोट तैयार करके जमा करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी। दरअसल महिला पहलवानों के मामले में उनके ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है और इसी FIR को चुनौती देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये मांग की थी कि उनके ऊपर जो FIR दर्ज है, जो उनके ऊपर आरोप हैं, उनको रद्द किया जाए। जिसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और BJP नेता को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर याचिका को तत्काल ये कह दिया कि ये सुनवाई लायक नहीं है और उसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोप तय करने के आदेश और कार्रवाई को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है, यह सबसे बड़ा सवाल पूछा गया। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह ने दरअसल बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में FIR उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगे थे उनको रद्द करने के लिए मांग की थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट बताती है कि याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई की और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा कि उन्होंने अपने खिलाफ दायर याचिका और अपने ही ऊपर कार्रवाई को जो चुनौती देने वाली याचिका दायर की है वो एक क्यों दायर की है। जज ने कहा कि हर चीज़ का एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता है। यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द कराना चाहते हैं तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है, यानी मुकदमा चलने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह से ये भी पूछा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के साथ साथ कार्रवाई को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका दायर करके वो कहना क्या चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने BJP के पूर्व सांसद के वकीलों से 2 हफ्ते यानी 15 दिन के अंदर एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी, यानी अभी फिलहाल जो राहत की उम्मीद के साथ हाई कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे उसको एक झटका लग गया है और 26 सितंबर को अब यह तय होगा कि आगे इस मामले में क्या होना है और सुनवाई के बाद फैसला भी होगा कि आखिर आगे कैसे ये चीज़ें चलेंगी। क्या अब, क्योंकि मुख्य रूप से जो मुकदमा है वो अपने ट्रायल और उसके बाद जांच पूरी होने के बाद, चार्जशीट पूरी होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में शुरू होगा और इसी के साथ ही माना जा रहा है कि ब्रजभूषण के ऊपर धीरे धीरे शिकंजा भी कसता जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।